जब भी बात इंग्लिश बोलने की होती है तो कई बार लोगों के सामने ये शिकायत होती है, ये समस्या होती है कि सर हम इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, हम इंग्लिश समझ सकते हैं, हम इंग्लिश में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर कुछ लिखना है तो हम लिख भी सकते हैं, लेकिन बात आती है बोलने की तो हम बोल नहीं पाते। अगर आपके सामने भी ऐसी ही समस्या है, आपके साथ भी यही समस्या है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप निश्चित रूप से इंग्लिश बोलने में कामयाब हो जाएंगे। और बात सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप इंग्लिश बोलने में कामयाब हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ एपी दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, और आज के लिए आपका इंग्लिश टीचर। घबराइए मत, मैं आपको ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ कुछ बेसिक बातें, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देंगी और आपको इंग्लिश सिखाने में भी कामयाब कर देंगी। अब बात करें कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए करना क्या है, तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है प्रैक्टिस करना। आप चाहे कितना भी पढ़ाई कर लें, आप चाहे कितना भी सीखने की कोशिश कर लीजिए, आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, जब तक आप इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर डोमेन में खुद को एक्सपर्ट बनाने की, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश में अच्छे होना चाहते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिस करनी होगी स्पोकन इंग्लिश की, आपको बोलना होगा। और ये बोलना आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर बनाता रहेगा हर दिन। अब आप कहेंगे कि प्रैक्टिस से होगा क्या, तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, और उस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आप भी इसे सीखेंगे, प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे। ये कहानी शायद 10 से 12 साल पुरानी है। तब मैं मेरे पुराने घर पर रहा करता था, और वहाँ पर घर के पास में ही एक शंकर जी का मंदिर है। उस शंकर जी के मंदिर पर हर सोमवार कोई ना कोई भजन होता था, कोई ना कोई पूजा होती थी, और उस पूजा में, उस भजन में एक व्यक्ति आता था और बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही बुरे राग के साथ, बहुत ही बुरे गले के साथ, पूरी तेजी के साथ, पूरी ताकत के साथ लाउड स्पीकर पर बड़े बड़े भजन गाता था, और उसके भजन इतने बेसुरे होते थे कि आपका सिर दुखने लगे, कम से कम मेरा सिर तो दर्द करने लगता था, मेरा सिर तो दुखने लगता था। और मैं यही चाहता था कि यार इस वक्त लाइट चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे अगले 2 घंटे इसके भजन नहीं सुनने होंगे। ये सिलसिला कई महीनों तक, कई हफ्तों तक चलते रहा। फिर उसके बाद मैंने अपना घर चेंज कर लिया, मैं दूसरी जगह पर रहने आ गया, लेकिन उस जगह पर अभी भी मेरी मम्मी रहती हैं, मेरा भाई रहता है, मेरा परिवार रहता है, तो मैं कभी कभी जाता रहता हूँ। बाय चांस कुछ सालों पहले जब मैं वहाँ पर एक बार गया तो वो मंडे का टाइम था, सोमवार का वक्त था, शाम का वक्त था, और तब भजन फिर से हो रहे थे। और उस भजन के वक्त जो शख्स पहले बहुत ही बेसुरा गाता था, उसने इस बार इतनी खूबसूरती से, इतनी अच्छी आवाज़ में गाया कि मैं सुनने के लिए उसे मंत्रमुग्ध हो गया। मैं अपने घर से बाहर निकला और घर से बाहर निकल करके मंदिर के पास जा करके बैठ गया ताकि मैं उसको सुन सकूँ। मुझे उसे सुनने में बड़ा मज़ा आया और 2 घंटे तक मैं उसको सुनते रहा। अब यहाँ पर ये क्यों हो पाया? ये इसके लिए हो पाया क्योंकि उसने 5 सालों तक अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहा, करते रहा, करते रहा, बंद नहीं की। जब वो 5 सालों तक लगातार प्रैक्टिस करते रहा तो वो अपने क्राफ्ट में परफेक्शन को हासिल कर पाया। वो अपने क्राफ्ट में इतना बढ़िया हो गया कि मैं जो उसे नफरत करता था, मैं जो उसे सुनना नहीं चाहता था, वो उसे सुनने के लिए 2 घंटे जाकर के वहाँ बैठ गया। अब ये बात सिर्फ किसी एक क्राफ्ट की नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी जगह पर हों, आप उस प्रैक्टिस की वजह से अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेकर के जाएंगे, और तब जो भी डर है वो डर भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि प्रैक्टिस करें कैसे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शन बताने वाला हूँ और आप जो ऑप्शन चाहें उनको चुन सकते हैं। इनफैक्ट आपको तीनों ही ऑप्शन चुनना चाहिए क्योंकि ये तीनों ऑप्शन आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है कैम्बली का। कैम्बली एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको 1-on-1 ट्यूटर मिलते हैं जो कि अमेरिका से, यूके से, कनाडा से, या अलग अलग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से आते हैं। मतलब वो नेटिव स्पीकर्स होते हैं तो जो उनका एक्सेंट होता है वो वहाँ के हिसाब से होता है। मान लीजिए कि आप यूएसए का एक्सेंट सीखना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे ट्यूटर से कनेक्ट करना चाहिए जो कि यूएसए से हो और वो आपको वहाँ के एक्सेंट में आपसे बात करना सिखा सके। कैम्बली एप्लीकेशन की एक अच्छी बात ये भी है कि वहाँ पर आप 1-on-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं जब आप चाहें तब। मतलब वो आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहते हैं, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यार रात में 10 बजे फ्री होता हूँ, रात में 12 बजे फ्री होता हूँ, या सवेरे 7 बजे फ्री होता हूँ। टाइम आप अपने हिसाब से चुनिए
और उस हिसाब से ट्यूटर को कॉल करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए और ख़ुद की इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। कैम्बली की एक अच्छी बात यह भी है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंग्लिश को सीख सकते हैं। मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन बेहतर करना है तो आप उसके हिसाब से सीख सकते हैं, एक्सेंट बेहतर करना है तो उसके हिसाब से सीख सकते हैं, कोई एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो उसके हिसाब से सीख सकते हैं, या कुछ और रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से भी आप अपने ट्यूटर को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को, अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कैम्बली को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ आपको ये बता दूँ कि ये एक पेड एप्लीकेशन है, आपको इसकी पेड सर्विस लेनी पड़ेगी ट्विटर से बात करने के लिए। तो अगर आप मेरे जरिए दिए हुए कोड के थ्रू या जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसके थ्रू जाते हैं और उसके थ्रू आप अपना सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप उस लिंक को ज़रूर चेक करिएगा और अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये बात मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ। कैम्बली से ट्रेनिंग लेना या ट्यूटर के थ्रू पढ़ाई करना बहुत ही आसान है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपनी पसंद की जगह से एक ट्यूटर को चुन लीजिए और उसके साथ में फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपनी पसंद का टीचर चुनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हम अपनी पसंद के जहाँ से भी चाहें वहाँ से टीचर चुन सकते हैं। हमको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जिन टीचर्स के पास में टाइम हो हम उनको चुनें, क्योंकि अगर कोई 1-2 मिनट में 3 मिनट में बिजी हो रहा है तो वो हमको ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते। ओके, रसल क्लास आपको ले लेते हैं, प्रैक्टिस इंग्लिश। यहाँ पर हमने एक टीचर को चुन लिया है, अब इन टीचर के साथ में हम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं और बस उनका वेट कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स बीन 20+ ईयर्स। यस, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 35। 35? यस, आई एम 36 ईयर्स ओल्ड। ओके ओके, वेरी गुड, स्टडीड इंग्लिश फॉर नियरली 20 ईयर्स, दैट्स इंप्रेसिव। अब बात करें कि दूसरी जो टिप है कि ट्यूटर से तो बात करना ही है, ट्यूटर से बात करने के साथ आपको दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप इंग्लिश मूवीज़ को देखिए, आप मूवीज़ को देखिए और जो उनके डायलॉग्स हैं, जो उनकी बातें हैं, उनको पॉज करके रिपीट करने की कोशिश करिए। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इंग्लिश इंग्लिश फिल्म देखी है, लेकिन अगर आपने इंग्लिश इंग्लिश फिल्म देखी होगी श्रीदेवी जी की, तो उसमें आपने देखा होगा कि श्रीदेवी जी अपनी जगह पर बैठी रहती हैं, वो इंग्लिश मूवीज़ को देखती हैं, पॉज करती हैं और फिर उस डायलॉग को रिपीट करती हैं, फिर से जो है वीडियो को प्ले करती हैं, फिर पॉज करती हैं, और ये प्रोसेस वो लगातार कई बार करती हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक बार में नहीं होगा, आपको इंग्लिश ट्यूटर जो हैं उनकी मदद तो लेनी ही है, उसके साथ खुद भी प्रैक्टिस करते रहनी है। अकेले में प्रैक्टिस करिए, जब आप अकेले में प्रैक्टिस करते रहें तो उसके बाद में आप खुद की स्पीचेस बना सकते हैं, खुद की स्पीचेस बनाइए, खुद अपने आप से कम्युनिकेट करिए। जैसा कि मैं कई बार कहता हूँ कि आप अपने आप से बातें करिए, तो आप जब अपने आप से बातें करने की कोशिश करें तो हिंदी की बजाय इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करने की बजाय आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए। जब आप ये करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे या अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़ करके इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, तब भी आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, तब आपको एक्चुअल में अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। तो ये भी करना है जो दूसरा काम है, ताकि आप अपनी इंग्लिश को, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकें। अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए जो तीसरा काम आपको करना है, तीसरा काम ये है कि आप लोगों से इंग्लिश में बात करिए, उनके सवालों के इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करिए और ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको वो कहानी सुनाई जिसमें वो बंदा जो कि बहुत बुरी तरीके से गाता था, उसने अपने पूरे बुरे गाने को सुधार लिया सिर्फ प्रैक्टिस करके, लेकिन वो अगर माइक के सामने गाता नहीं तो 5 साल बाद 7 साल बाद वो इतना अच्छा सिंगर बनता नहीं। आपको भी माइक को लेकर के सामने आना होगा। और ये माइक क्या है? ये माइक है वो कम्युनिकेशन जो आप लोगों से करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपका मजाक बनाएं, लेकिन जो लोग आपका मजाक बना रहे हैं वो आपके हितेच्छु नहीं हैं, वो आपका भला नहीं चाहते। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी गलतियों पर आपका मजाक बनाएं, लेकिन आपको कहें कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो उनका शुक्रिया करिए क्योंकि वो आपको किसी ना किसी तरीके से सिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब आप उनसे इंग्लिश में बात करेंगे तो वो आपका मजाक बनाएंगे लेकिन आपको सिखाएंगे नहीं। तो जब लोग आपका मजाक बनाएं तो ये मत सोचिए कि वो आपका मजाक बना रहे हैं, बल्कि ये समझ लीजिए कि हो सकता है इस जगह आपने कोई गलती करी हो। अब गलती करी है तो हमें अपनी गलती को सुधारना है, कोई और अगर हमारी गलती को सुधार नहीं रहा है तो हम खुद अपनी गलती को सुधारेंगे। उस पर्टिकुलर गलती को
कागज में नोट कर लीजिए, अपने फोन में नोट कर लीजिए, अगर अपने दिमाग में याद रख सकते हैं तो दिमाग में याद रख लीजिए, लेकिन कैसे भी करके उसे नोट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं तो अपनी गलती को नोट डाउन कर लीजिए, उसे कहीं ना कहीं लिख लीजिए, कहीं ना कहीं याद रखने की कोशिश कर लीजिए, और उसके बाद में खुद उस गलती को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। अगर आप खुद अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, पहला प्रैक्टिस का तरीका बताया कैम्बली वाला, तो आप अपने ट्यूटर से, अपने टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि मैंने ये बात कही थी, आपके हिसाब से क्या मैं सही हूँ, आपके हिसाब से क्या मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ पर सही क्या होना चाहिए था। आप इस तरीके से सवाल करिए, और जब ये सवाल आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, आप अगली बार उन गलतियों को नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, गलतियाँ करना कभी बुरा नहीं होता, लेकिन अपनी गलतियों को रिपीट करते रहना वो बुरा होता है। तो गलतियाँ करिए, उन गलतियों से सीखिए, उन गलतियों को बेहतर करिए, और फिर अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाइए। और मैं आखिर में आपसे फिर यही कहूँगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता आपको बंद करनी होगी, क्योंकि लोग हमेशा आपका मजाक उड़ाएंगे तब तक जब तक आप बहुत अच्छी तरीके से बोलने नहीं लगेंगे, या कम से कम उन लोगों से ज़्यादा अच्छे स्पीकर नहीं बन जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि आप कम्युनिकेशन की बात करिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना, तो आपका मेन टारगेट इंग्लिश में कम्युनिकेशन होना चाहिए, और उसके बाद में एक्सेंट की बात कर लें, उसके बाद में फ्लुएंसी की बात कर लें, उसके बाद में बाकी की चीज़ों की बात कर लें, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता रहेगा, तो आप किसी भी चीज़ की चिंता मत करिए। और जैसा कि मैंने कहा, आप कैम्बली की मदद ले सकते हैं तो वो एक ऑप्शन है, बाकी दूसरे ऑप्शन आपके पास में है ही सही। तो उम्मीद करता हूँ अब आप इस बात को समझेंगे, खुद को इंग्लिश सीखने में कामयाब कर लेंगे, और खुद को बेहतर बनाएंगे, सफलता और खुशियों की तरफ लेकर के जाएंगे। वीडियो ख़त्म करते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे ही वीडियोज और चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप मेरे कोई वीडियो कभी भी मिस ना करें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।